नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस लोकसभा चुनाव में अगर कोई एक ऐसा राज्य है जिसके परिणाम को लेकर सबसे ज्यादा अनिश्चितता है तो वो है महाराष्ट्र। इस वक्त हम लोग मुंबई में हैं और हमारे साथ हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, और मेरे साथ इस इंटरव्यू में शामिल है मेरे सहयोगी और हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ साहिल जोशी। फडणवीस साहब, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। जिस तरीके से समीकरण बदले, पार्टियां बदली देश में, तो ऐसा लग रहा है कि एक कोई ऐसा राज्य है जहां पर नेताओं को, वोटरों को, पंडितों को नहीं पता क्या होने वाला है, वो है महाराष्ट्र। आप इसको कैसे देखते हैं, इस फंसे हुए अनसर्टन अनप्रिडिक्टेबल इलेक्शन को? न मैं नेता हूं, न पंडित हूं, वोटर जरूर हूं, और मैं आपको सच बात बोलता हूं। आप लोगों को अनप्रिडिक्टेबल लगता होगा, ये बिल्कुल प्रिडिक्टेबल राज्य है। इस राज्य के लोगों ने मोदी जी के साथ जाने का फैसला कर लिया है। हमने जो 14 में करके दिखाया, हमने जो 19 में करके दिखाया, वही हम 24 में करके दिखाएंगे। लेकिन 14 और 19 में सबसे बड़ा फर्क है, 14, 19 और 24 में, कि 19 तक आपका अलायंस क्लियर था। इस बार आपके साथ दो अलायंस पार्टनर्स है, इनफैक्ट चार अलायंस पार्टनर्स है, एक चुनाव नहीं लड़ रहा है। लेकिन दूसरा फर्क यह नजर आता है कि 19 में जब आपके प्राइम मिनिस्टर, मतलब प्रधानमंत्री मोदी 9 रैलीज यहां पर ले रहे थे, इस बार 18 रैलीज उनको लेनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपका इलेक्शन फंसा हुआ है, ये एक परसेप्शन जाता है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। पिछली बार 4 चरण हुए थे, इस बार 5 चरण हुए, ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ रही है। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो मोदी जी की 18 रैलियां नहीं हो गई, लेकिन पिछले बार से ज्यादा रैलियां हो रही है, और वो होने का कारण भी ये है कि समय ज्यादा मिला है। पिछले समय चुनाव बहुत कॉम्पैक्ट था, तो मोदी जी आ नहीं सकते थे। इस बार हमारा चुनाव 5 चरण का हुआ है, और पहले हमारे चरणों में 3 दिन का अंतर होता था, इस बार 3 चरणों में तो 7-7 दिन का अंतर है। दूसरा यह है कि हमारे अलायंस पार्टनर्स जो है, कहीं ना कहीं इस बार हम लोगों ने यह भी प्रयास किया है कि अलायंस पार्टनर्स के यहां भी मोदी जी की सभा हो। पहले हम क्या करते थे कि जैसे हमारे अलायंस पार्टनर के साथ जो सभा होती थी, तो बीच की एक जगह देखते थे जहां दोनों सीटों को फायदा मिले। इस बार चूंकि समझ लीजिए शिंदे साहब की शिवसेना है और उनके सामने उद्धव जी की शिवसेना लड़ रही है, तो पहले एक पार्टी उनकी हुआ करती थी, अब कुछ ना कुछ वोट तो उद्धव जी के साथ जाएंगे, तो इसलिए वहां कोई डेफिसिट न रहे, इसलिए हम लोगों ने यह फैसला किया। और इसलिए हमने कुछ मोदी जी की जो सभाएं है अलायंस पार्टनर्स के भी इलाकों में, हमने उसको बढ़ा दिया है। तो इसलिए मुझे यह नहीं लगता कि भाई ऐसा कोई असमंजस है। निश्चित रूप से अब महाराष्ट्र के अलायंसेस भी क्लियर हो चुके हैं, कौन कौन सी साइड है यह भी क्लियर हो चुका है, इसलिए लोगों के मन में कोई असमंजस नहीं है, और जो मोदी जी के साइड है उसके साथ जनता है। फडणवीस साहब, जो हर चरण के बाद जो पोस्ट पोल एनालिसिस होता है, जब मैं महाराष्ट्र का देख रहा था, उसमें एक चीज निकल के आई, वो शायद ये कि आपने एकनाथ शिंदे की सेना को उनकी राजनीतिक हैसियत के ज्यादा सीटें दे दी, कि इस एनडीए में कमजोर कड़ी अगर कोई साबित होने वाली है तो वो एकनाथ शिंदे की सेना है। इसको आप कैसे देखते हैं, जो हमारा जो पोस्ट पोल ट्रेंड हमें समझा रहा है, जो हमें देखने में आ रहा है कि कमजोर कड़ी कहीं ना कहीं वो साबित हो रहे हैं? आप देखिए, क्या होता है ना कि किसी की हैसियत न्यूज रूम में बैठ के तय नहीं होती है, हैसियत तो जनता के मन में तय होती है। और आप देख लीजिए, शिंदे जी की जो शिवसेना है, आप लोगों के जो आंकड़े उसको तोड़कर आगे चली जाएगी, और जब यह कंपैरिजन होगा उद्धव जी की सेना और शिंदे जी की सेना, उद्धव जी की सेना से कई गुना आगे आपको शिंदे जी की सेना। पर ऐसा है नहीं, दे आर पुलिंग लेस देन देयर वेट। जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि वो उतना पंच नहीं कर पा रहे, कि मतलब जितनी उनकी एक्चुअल रियलिटी, एक्चुअल स्ट्रेंथ थी, उससे ज्यादा आपने उनको टिकट दे। मुझे नहीं लगता है। देखिए, मन ही मन तो आपको भी ऐसे ही लगता है, बोलेंगे नहीं, लेकिन मन ही मन लगने का सवाल ही नहीं है। देखिए, जहां तक हमारा सवाल है, मैं आपको बहुत साफ कहता हूं कि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमको 30 सीटें मिले, हमको 28 सीटें मिली है, तो ऐसा कोई, हम लोग 35 चाहते थे। मैंने साफ शब्दों में कहा था कि 30 सीटें बीजेपी ने लड़नी चाहिए, हम लोग 28 सीटें लड़ रहे हैं। अभी तीसरी पार्टी भी एक हमारे साथ आ गई, राष्ट्रवादी, उनको 5 सीटें दी है, और करीब 15 सीटें जो है वो शिवसेना लड़ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ 13 तो एमपी आए थे, तो 13 सीटों का तो किसी भी हालत में उनका हक बनता था, और उनको 15 सीटें मिली है, 2 सीटें ज्यादा मिली है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई आउट ऑफ प्रोपोर्शन उनको सीटें मिली है।
और मुझे, मैं जो चुनाव को देख पा रहा हूं उसमें वो उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, क्योंकि बीजेपी शिवसेना यानी जो शिंदे जी की शिवसेना है, अजीत जी की जो एनसीपी है और मनसे, ऐसा मिलाकर हमारा कॉम्बिनेशन काफी फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन। लेकिन ये एनालिसिस इसलिए भी निकल रहा है क्योंकि कई जगह पर ये दिख रहा है कि उनकी तरफ से आपको जो वोट ट्रांसफर की अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूरी नहीं हो रही, इसके लिए उनको सीटें छोड़कर आप जो वोट्स पुल कर सकते हैं वो उनके साथ में खड़े करें। यानी मुंबई में आप 4 से 5 सीटें लड़ने की कोशिश में थे, आपको 3 ही सीटें लड़नी पड़ रही है, उनको कैंडिडेट तक नहीं मिल रहे थे, आखिर तक उन्होंने कैंडिडेट ढूंढने में उनको प्रॉब्लम हो रहा था, मराठवाड़ा की सीटों पर भी उनको कैंडिडेट चेंज करना पड़ा था। तो इसका मतलब यह कि कहीं ना कहीं वो तैयार नहीं थे इलेक्शन के लिए, उनको भी पता चल रहा था कि वो कमजोर कड़ी है और आपके चक्कर में, मतलब आपको उनको पुल करना पड़ रहा है इस इलेक्शन में। मेरा ऐसा मानना नहीं है, कैंडिडेट उनके पास थे। हाँ ये जरूर है कि कई बार ये प्रश्न किसी के सामने आता है कि इसको दे चाहे इसको दे, तो उनके यहां भी तीन चार नाम चल रहे थे, आखिर में उन्होंने उसका निर्णय किया किसको देना है और उन्होंने अपने कैंडिडेट डिसाइड किए, तो मुझे नहीं लगता कि वो तैयारी में नहीं थे या उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, ऐसी परिस्थिति नहीं थी। उल्टा मैं ये कहता हूं कि कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स थे उनके पास, इसलिए उनको समय लगा। तो दूसरा जो ट्रेंड पोस्ट पोल डेटा में निकल के आ रहा है वो ये कि ये कंसर्न था कि क्या जो मुस्लिम वोटर है वो उद्धव ठाकरे की सेना को वोट देगा कि नहीं, वो वोट पड़ रहा है, मतलब कि महाराष्ट्र में बहुत ही कंपेटिटिव इलेक्शन हो रहा है दलित और मुस्लिम। हाँ, दलित और मुस्लिम, जो आपने साहिल बात की कि वोट ट्रांसफरेबिलिटी की, उनकी तरफ तो वोट ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि पहले शायद मुस्लिम कैंडिडेट दे ना दे उद्धव ठाकरे की सेना को, वोट ट्रांसफर हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये हम लोगों को पता था। देखिए जब से उद्धव जी एनसीपी यानी शरद पवार वाली और कांग्रेस के साथ गए तो उन्होंने सूडो सेक्युलर पॉलिसी अपना ली है और अपीजमेंट की पॉलिसी भी उन्होंने शुरू कर दी है, और मतलब पहले जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे के जमाने में होता था अब तो अल्लाह अकबर के नारे भी उनके पार्टी के लोग लगा रहे हैं और टीपू सुल्तान जिंदाबाद के नारे भी उनकी पार्टी के लोग लगा रहे हैं, तो जिस प्रकार से भी अपीजमेंट कर सकते हो कर रहे हैं, तो ये हम लोगों को पता ही था कि उनके साथ मुस्लिम वोटर जो है वो बड़े पैमाने पर जाएगा, वो जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके इलेक्शन पर उसका बहुत असर होगा ऐसा मैं नहीं मानता। नहीं, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है ना सर कि आप जैसे बीजेपी 28 सीटें लड़ रही है उसमें से कम 4 से 5 सीटें आपको उद्धव ठाकरे के सामने लड़नी पड़ रही है, 2 सीटें आपको एनसीपी के सामने लड़नी पड़ रही है। अब दिक्कत यह है कि ये दोनों वोटर जो आपके खिलाफ वोटर है, खास करके एनसीपी का वोटर जो आइडियोलॉजिकली आपसे अलाइन नहीं है, अब वो वोटर के वोट आपके पास खींचना ये आपके लिए कितना दिक्कत है, और इसी के वजह से आपका वोट तो ट्रांसफर होता है लेकिन आपको जो अलायंस पार्टनर से वोट मिलने चाहिए वो वोट आपके पास ट्रांसफर नहीं हो पाए। मैं आपको पूछना चाहता हूं जी, शरद पवार जी के अलायंस, शरद पवार जी के एनसीपी की कौन सी आइडियोलॉजी थी? अजित पवार खुद कहते हैं कि सेक्युलर आइडियोलॉजी है हमारी। सेक्युलर ठीक है, सेक्युलर वगैरह सब जो शब्द अपने होते हैं वो सब ठीक है, शरद पवार जी की एनसीपी की कोई आइडियोलॉजी नहीं थी, क्षत्रप्स की पार्टी थी, वो सारे क्षत्रप्स जो उनके साथ थे आज अजीत दादा के साथ हमारे साथ आए, और मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी वोट ट्रांसफर करने की एक अपनी कैपेसिटी है, मैं नहीं कहता 100% कर पाएंगे। आपको लगता है अभी भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे का वोट है महाराष्ट्र में? रहेगा, क्यों नहीं रहेगा भाई, देखिए कोई भी अगर पार्टी एक प्रकार से स्प्लिट होती है तो जो ओरिजिनल लोग उसमें बचे हैं, जो नए लोग उसमें आए हैं, ऐसे सब मिलाकर कोई ना कोई वोट तो उनका रहता ही है, तो वोट तो मैं ऐसा थोड़ी कहूंगा कि शिंदे जी के साथ 100% शिवसेना का वोट आ गया या अजीत दादा के साथ 100% इसी पर, उनके पास वोट है, मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ ज्यादा वोट, मेजोरिटी वोट ये शिंदे जी शिवसेना का लाए है, वो एनसीपी का लाए है, और शिंदे जी का तो पूरा वोट हमको ट्रांसफर हो जाएगा, एनसीपी का भी जो उनके साथ आया हुआ वोटर है वो काफी बड़े पैमाने पर हमको ट्रांसफर होगा। जो अजीत पवार पे इरिगेशन स्कैम को लेकर आरोप लगे सबसे ज्यादा, जब भी हमने आपका इंटरव्यू किया बार बार आपने बोला, पीएम ने खुद बोला कि करप्शन किया, 70,000 करोड़ का करप्शन किया, अब वो आपके साथ है, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि अजीत पवार करप्ट है कि नहीं, आप क्या बोलेंगे फडणवीस साहब? देखिए मेरे बोलने का सवाल नहीं है, 2009 से 2012 तक मैं लगातार ये आरोप लगाता रहा, उस समय वो मिनिस्टर थे,
और बहुत आपका पैशन था, मतलब बहुत जोश से आपने ऐसा नहीं लगाया आपने, मैं पैशनेट हूँ। अब आप साथ में बिठा लिया आपने, तो पूरी सुन लीजिए ना कहानी, तो सुननी पड़ेगी ना, 14 साल की कहानी है भाई, छोटी कहानी थोड़ी है, कल थोड़ी हुई है। तो उसके बाद जो आरोप मैंने लगाए थे उसकी जांच हुई, और जांच में ये ध्यान में आया कि मैं जो आरोप लगा रहा था वो आरोप सही थे। जो अधिकारियों ने ये सारा करप्शन किया था उनमें से कई अधिकारी सस्पेंड हुए, कई डिसमिस हुए, चार्जशीट हुई कोर्ट में, अलग अलग प्रकार से कुछ लोगों को सजा भी हुई, डायरेक्ट सजा भी हुई, लेकिन ये सारे प्रोसेस में अजीत पवार ये जरूर उस डिपार्टमेंट के हेड थे, तो उनकी जिम्मेदारी थी, मैं उनको जिम्मेदार नहीं थे ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट अजीत पवार का कहीं पर भी संबंध नहीं आया, इसलिए कोई भी चार्जशीट में उनका नाम नहीं। तो बड़ा कन्वीनियंट है ना, अगर वो नहीं आते आपके पास, वो तो बोल रहे थे कि इन पे बड़ा केस होना चाहिए, अभी कोई जेल, जैसे केजरीवाल जेल गए, सिसोदिया जेल गए, अजीत पवार भी जेल में पड़े होते। अजीत पवार कब आए हमारे साथ? अभी हाल ही में आया ना आपके, करेक्ट। इन्वेस्टिगेशन कब चालू हुआ? 2012 में चालू हुआ। बट आप तो उनको मना रहे थे ना, 14 में, 17 में, 19 में। हमने मना रहे, कोशिश चल रही थी ना, हम कोई मना वना नहीं रहते। शरद पवार जी हमारे साथ आना चाहते थे। शरद पवार जी ने 3 बार हमारे साथ आने का फैसला किया, बाद में फैसला बदला। अब मैं जब एनालिसिस उसका करता हूं तो मेरे ध्यान में आता है कि पवार साहब हर बार अजीत पवार को आगे करके उनको विलन बनाते थे, क्योंकि अगर उनको विलन नहीं बनाएंगे तो जिनको हीरो पार्टी में बनाना है उनको हीरो नहीं बना सकते, क्योंकि पार्टी अजीत पवार के हाथ में थी, एमएलए अजीत पवार के हाथ में थे, तो अजीत पवार का क्लाउट वैसे तो कम नहीं किया जा सकता था, इसलिए बार बार वो पार्टी में और लोगों के सामने अजीत पवार को विलन बनाते थे ताकि घर पे कोई दूसरा हीरो बने और उनके हाथ में पार्टी जाए। नहीं, लेकिन राहुल दिक्कत क्या हुई है, पिछली बार का जब हमने प्राइम मिनिस्टर का कैंपेन कवर किया था तब उनके कैंपेन में एंटी करप्शन का बड़ा मतलब भाषण में उनका उल्लेख हुआ करता था, 14 में भी उन्होंने नेचुरली करप्ट पार्टी कहा था, इस बार एंटी करप्शन ड्राइव उनके भाषण में नहीं, शायद मुंबई में आने के बाद वो हो सकता है। सवाल इसी बात को लेकर है, हाल ही में हमने किरीट सोमैया का इंटरव्यू किया और किरीट सोमैया आपके एंटी करप्शन क्रूसेडर है, वो ये कह रहे हैं कि अब मुझे हिचकिचाहट होती है लोगों में जाके बताने के लिए, एम्बैरेसमेंट फील होता है, क्योंकि जिन लोगों पर उन्होंने मैंने आरोप लगाया वो सारे अभी हमारे पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि इस सरकार में भी कहीं ना कहीं करप्शन है, लेकिन मैं फिलहाल इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने दिल्ली में जरूर इसके बारे में कहा है। आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे इस चीज का? देखिए, पहली बात तो यह है कि आप अगर, मैं तो मोदी जी की सारी सभाएं अटेंड कर रहा हूं, ऐसी कौन सी सभा है जिसमें करप्शन पर नहीं बोलते? बिल्कुल बोल रहे हैं, 100% करप्शन पर बोल रहे हैं, मोदी जी बोलते ही है करप्शन के ऊपर। जहां तक किरीट सोमैया जी का सवाल है, ये बात जरूर है कि उनमें से कुछ लोग हमारे साथ आए हैं। सर सारे लोग नहीं, सारे वगैरह नहीं आए, कुछ लोग आए हैं, लेकिन जो लोग आए हैं, समझ लीजिए कोई लोग हमारे साथ आए तो हमारे साथ आने के बाद क्या उनकी इंक्वायरी बंद हो गई? जो है चल रही है, जो नतीजा आएगा आएगा, ऐसा अलायंस का पॉलिटिक्स है। अलायंस के पॉलिटिक्स में अगर जिनके खिलाफ हम थे वो पार्टियां हमारे साथ आ गई तो कुछ लोग हमारे साथ आएंगे। आखिरी सवाल, क्या आपने मोदी जी को या अमित शाह जी को या नड्डा जी को कुछ ऐसा बोला है कि देखिए अभी तो मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, पूरा एफर्ट कर रहा हूँ और असेंबली इलेक्शन में भी करूंगा, उसके बाद जो भी हो जाए सर मुझे डेप्यूटी मत बनाना बस, मतलब बेशक ही बाहर ही बैठा दो पर डेप्यूटी मत बनाना बस, हो गया। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना क्यों बना? मेरी पार्टी ने बनाया इसलिए ना। उस समय भी तो 4 लोग ऐसे भी रहे होंगे कि जिनको बना सकते थे, तो जिस पार्टी ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया उस पार्टी ने मुझे डिप्यूटी बनने को बोला, तो मुझे इससे खुशी है, मुझे कोई गम नहीं है। और मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ, मेरी पार्टी कल मुझे बोले कि आपको डिप्यूटी भी नहीं रहना है, आपको घर बैठना है, तो उसके लिए भी मेरी तैयारी है। शर्तों पर काम करने वाले लोग नहीं हैं हम, नीचे से आए हुए लोग हैं। देवेंद्र फडणवीस ने शुरुआत ये बूथ से की हुई है, वार्ड से की हुई है, वहां से लेकर तो ऊपर तक हम पहुंचे हुए हैं। इसलिए पार्टी जो बोलेगी वो हम करेंगे, शर्तों पर काम करने वाले हम नहीं। फडणवीस साहब, आपने वक्त निकाला कैंपेन के बीच में, अब यहाँ पे कैंपेन पीक कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आप हमसे जुड़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।